हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग के प्रोसेस से जुड़ी हुई है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस प्रॉब्लम के कारण काफी सारे लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जा रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 110% यहाँ पर वर्क करेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब अगर अपने पैन कार्ड में आप आधार कार्ड को लिंक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1000 रूपये का चालान पे करना है, 1000 रूपये की पेनाल्टी आपको पे करना है। उसके बाद ही अपने पैन कार्ड में अपने आधार कार्ड को आप लिंक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अगर आपने चालान पे कर दिया है या फिर आप करने वाले हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं, जो कि ये कि आप 1000 रूपये का चालान पे कर देते हैं, 1000 रूपये की पेनाल्टी आप पे कर देते हैं, लेकिन आपका जो चालान है वो यहाँ पर पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा और बार बार आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि आपने चालान सक्सेसफुली पे कर दिया है, आपके पास चालान डाउनलोड भी हो चुका है, बट इसका जो पोर्टल है ई फाइलिंग का, जब वहां पर आप दोबारा जाकर चेक करते हैं तो आपसे दोबारा से 1000 रूपये का चालान पे करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके कारण अपने पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों क्रिएट हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, सबको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को आप देखने के बाद ये जो भी सॉल्यूशन है पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और आपका जो चालान है वो भी यहाँ पर पोर्टल में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको दो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, अगर एक सॉल्यूशन वर्क नहीं करता तो सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पर 110% वर्क करेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर जा रही है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने के लिए उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को बस पूरा वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम फटाफट से दोनों सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपने 1000 रूपये का चालान पे कर दिया है, आपका चालान डाउनलोड भी हो गया लेकिन पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पोर्टल में दोबारा से आपको चालान पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको दोबारा से चालान पे नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप दोबारा से चालान पे कर देते हैं तो यहाँ पर रिफंड का कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है, आपका जो चालान है वो वेस्ट चला जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप दोबारा से चालान पे कर दें। आपको क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको चालान पे करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है कि आपने जिस दिन चालान पे किया है उसी दिन आपका जो चालान है वो पोर्टल में रिफ्लेक्ट करने लगे, उसी दिन आपका जो चालान है यहाँ पर अपडेट हो जाए, जिसके बाद अपने पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से काफी आसानी से लिंक कर पाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका जो चालान है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि यहाँ पर चालान रिफ्लेक्ट करने में कई बार 48 से 72 घंटे का टाइम लग जाता है और ये डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स पर। अब हो सकता है आपने सैटरडे को चालान पे किया हो और संडे की छुट्टी हो, मंडे की छुट्टी हो, तो यहाँ पर आपका जो चालान है वो रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वेट करना है, पहले आपको चालान पे करना, उसके बाद आप कोशिश करें 48 से 72 घंटे आप वेट करें। अगर उसके बाद भी आपका चालान रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है, इनकम टैक्स का नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे। वहां पर जो भी एग्जीक्यूटिव आपका फोन रिसीव करते हैं उनको आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपने चालान पे किया हो, उसके बावजूद भी आपका जो चालान है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण अपने पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर वो आपके चालान की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे, तो आप वहां पर शेयर कर दें जो भी आपके चालान का CRN नंबर है, जो भी यहाँ पर डिटेल्स रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम अगर कुछ होगा तो यहाँ पर कस्टमर केयर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका जो चालान है वो पोर्टल में रिफ्लेक्ट करने लगेगा और आप काफी आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन आपका वर्क नहीं कर रहा है, आपने कॉल पे बात कर ली है उसके बाद भी आपका जो चालान है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ईमेल आईडी आपको दिखाई हुई है, इस ईमेल आईडी में आपको मेल कंपोज करना है और एक यहाँ पर ग्रेवियंस आपको क्रिएट करना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। तो क्या ग्रेवियंस क्रिएट करना है, क्या क्या आपको मेल में भेजना है, क्या क्या डिटेल्स आपको भेजना है और किस तरह से आपको मेल कंपोज करना है, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इससे पहले यहाँ पर हम सेकंड सॉल्यूशन अप्लाई करें और उसको यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली मैं करके बताऊं, मैं एक छोटी चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर एक रीजन और हो सकता है आपका चालान रिफ्लेक्ट ना करने का, कि आपने जो चालान बनाया हुआ है
जो आपने इसका चालान पे किया है उसका जो प्रोसेस है वो आपने गलत कर दिया है, या फिर कोई भी यहाँ पर जो जानकारी आपने फिल की हुई है वो आपने गलत डाल दी है, इस कारण से भी यहाँ पर आपका जो चालान है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो चालान पे करने से पहले आपको सभी बातों का ध्यान रखना है और बिल्कुल सही जानकारी वहां पर आपको फिल करना है। अगर आपको नहीं पता है कि सही चालान आपको कैसे पे करना है तो उस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं और एक बार आप वेरीफाई करिए कि आपने जो चालान पे किया उसमें कोई गलती तो नहीं की है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर आपने चालान पे करने में अगर की हुई है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक मेल आपको कंपोज कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में ही आपको एक ईमेल आईडी बताई थी, तो यहाँ पर आपको वो मेल आईडी ले लेना है। साथ में यहाँ पर देखिए मैंने एक और ईमेल आईडी यहाँ पर ली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ep.helpdesk@incometax.gov.in, और एक और मैंने ईमेल आईडी ली हुई है efilingwebmanager@incometax.gov.in। तो ये दोनों ही मेल आईडी आपको ले लेना है और यहाँ पर टू में आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट डाल देना, जैसे कि मैंने डाला हुआ है पैन कार्ड आधार कार्ड सीडिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप एक सब्जेक्ट डाल सकते हैं या फिर जो मैंने डाला है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको एक मेल कंपोज कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जानकारी मैंने यहाँ पर डाली हुई है बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर जानकारी डाल देना है। और ये जो ईमेल मैंने तैयार किया हुआ है इसका जो मैटर है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप डिटेल्स डालेंगे जो मैटर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना पैन कार्ड नंबर और अपना आधार कार्ड नंबर आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ABCDE1234F डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और नीचे आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, और जहां पर मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज अंकुर, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, और जिस भी डेट में आपने पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पर आप मेंशन करना ना भूलें। जैसे यहाँ पर आप ये मेल कंपोज कर लेंगे उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और जो चालान आपने पे किया हुआ है अगर वो आपके पास डाउनलोड पड़ा हुआ है, अगर चालान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आपको ये तीनों चीजें आपको इसका PDF बना लेना है या फिर आपको zip फाइल क्रिएट कर लेना है, जिसमें आपको काफी आसानी से एक सिंगल फाइल में आप इसको अपलोड कर पाएंगे और यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव इसको चेक करेंगे तो उनको भी काफी आसानी जाएगी। तो उसका PDF या फिर zip फाइल यहाँ पर आपको अटैच कर देना है और इस मेल को आपको सेंड कर देना है। मेल सेंड करने के 24 घंटे बाद आपको यहाँ पर एक रिप्लाई मेल आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, जहां पर आपको एक ग्रेवियंस आईडी क्रिएट करके दे दी जाएगी और उस आईडी से आप अपनी ग्रेवियंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो आपका जो ग्रेवियंस है वो क्रिएट हो जाता है तो उसके 24-48 घंटे के बाद आपका जो चालान है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है और उसके बाद आप काफी आसानी से अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए पोर्टल में दोबारा जाएंगे, अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, तो यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी आपको दोबारा से चालान पे करने के लिए बोला जा रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका जो चालान है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर दिखाने लगे, जिसके बाद आप काफी आसानी से अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जैसे ही आपका चालान रिफ्लेक्ट करने लगेगा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है, इसके लिए आपको अलग से प्रोसेस करना होगा तब आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। तो अगर आपको चालान रिफ्लेक्ट करने के बाद का प्रोसेस नहीं पता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कि अगर आपका चालान रिफ्लेक्ट करने लगता है तो उसके बाद कैसे अपने पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन में से आप कोई भी एक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे जिसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर 110% यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। तो बस दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये जो दो सॉल्यूशन बताए हुए हैं इसको आपको फटाफट से अप्लाई कर देना है, तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो पैन कार्ड है वो आप काफी आसानी से आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और हाँ अगर इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक हो जाता है तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो से आपका काम हो गया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि उन तक भी ये जो वीडियो है पहुंच सके और उनको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सके सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।